प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करो। मुफ्ती और बाकी नेता जो पाकिस्तान की बोली बोलने का प्रयास करना चाहते हैं उनको लेकर के बड़ा स्पष्ट कर दिया गया, पाकिस्तान की बोली जो बोलेगा उसकी सिक्योरिटी वापस लो, उस पर FIR दर्ज करो, उसको घर दिया, आराम दिया। जो देश की सुरक्षा पाकिस्तान से लड़कर के शहीद हो रही है और तुम उन लोगों को सिक्योर कर रहे हो जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा पकड़ करके हमने ये कहने का प्रयास करा है, प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। आपसे विनम्र प्रार्थना है, ऐसे लोग जो सर्वदलीय बैठक के अंदर तो कुछ और कह रहे थे लेकिन बाहर आकर के कह रहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं पाकिस्तान पार्टी है, इस तरह की बातें कह के पूरे हिंदुस्तान के वातावरण को समाप्त करने का प्रयास करना चाहती है। इसमें गुलाम नबी आजाद साहब जो है उनका बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, उसने जम्मू की बात को समझा, देश के प्रधानमंत्री के मन की बात को समझा और एक सही मानों में अगर कोई रोल अदा करने का प्रयास करा है तो गुलाम नबी आजाद साहब ने करा है। लेकिन मौका देख करके, वातावरण देख करके, माननीय फारूक अब्दुल्ला जी का भी उन्होंने अपनी व्यवस्था को बदला है, उन्होंने कहा मेरा पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं तिरंगा झंडा लेकर के आगे बढ़ता रहूँगा। और मैंने उनसे भी कहा है कि वो अपनी बात पर अडिग रहें और ये जो सारी व्यवस्था पाकिस्तान और महबूबा मुफ्ती मिलकर के इस सारे वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहती हैं, उसके विरोध के अंदर आज का प्रोटेस्ट था जो बढ़ चढ़ के हमने किया और प्रधानमंत्री से मांग करी कोई भी नेता पाकिस्तान की बोली बोले उसको पाकिस्तान भेजो या तिहाड़ जेल भेजो या आप तय करो और वो हिंदुस्तान की धरती पर दिखना नहीं चाहिए। धन्यवाद। जी सर, सर आज का यहाँ पर राशन वितरण का जो हमने कार्यक्रम रखा था जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा और 2-2 किलो दाल दी गई है, उसका मकसद सिर्फ एक ही और मकसद ये है कि अपनी तरफ से सहयोग करके एक हाथ बढ़ाया जाए जिसके कारणवश जो जो लोग पीछे रह गए एक एक महीने के लॉकडाउन के बाद और आर्थिक गतिविधियाँ जिस प्रकार से बिल्कुल ठप पड़ी हुई थी, ये डोगरा फ्रंट शिवसेना के माध्यम से श्री अशोक गुप्ता जी द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसमें हम लोग सब हिस्सा ले रहे हैं और अपनी तरफ से जितनी मदद हो सके उतनी मदद कर रहे हैं। और एक अपील जम्मू और कश्मीर के निवासियों से भी करना चाहता हूँ,
जितना जितना आप कर सके, कोई मात्रा की बात नहीं है, कोई 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 राशन सामग्री ज्यादा हो या कम बांटने की बात नहीं, बात है सहयोग करने की। आप अपने अपने घर में चपाती बना करके, खाना बना करके, रोटी बना करके बांटिए जिनको सबसे ज्यादा सहयोग चाहिए। यही एक जो है जम्मू की रीत रही है, इसी को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से अभी हमने 4 या 5 दिन पहले 25 दिन 26 दिन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के अंदर हमने लंगर चलाया था उसका समापन किया है हलवा बांट करके, और अब ये कार्यक्रम शुरू किया ताकि हाथ बढ़ा सके, सहयोग कर सके और किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति है उसको कमी नहीं आने दे। धन्यवाद।